जेंडर क्या है? तो जेंडर है चलो तो इस यादगार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और पीछे अगर आप देख रहे हो तो पीछे देखो, ये चेयर रखी हुई है बेड पे और उस पर ऊपर लगा हुआ है माउंट, उस पर लगा हुआ है कैमरा मतलब मोबाइल फ़ोन। हम लोग एक रील शूट कर रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो थोड़ी आधी शूट की थी और फिर आधी बच्चे भी अभी शूट कर रहे हैं, तो वो आप सब देख सकते हैं ठकुरान जी के इंस्टाग्राम पे मिसिस डॉट वॉन्डर सिंह, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ये देखो कुछ इस तरह इस प्रकार से जुगाड़ जंतर किया है और अभी इसको थोड़ा सा तैयार भी कर लिया हमने। अब ठकुरान जी जाके थोड़ी फ्रेश लग रही है, बैक टू नॉर्मल। और टाइम लगेगा थोड़ा, 15 दिन ही हुए हैं। एंड ऑफकोर्स आज के व्लॉग में आपको बेबी का जेंडर और नाम दोनों पता चल जाएगा। अरे हाँ, आज है नेमिंग सेरेमनी ऑफ आर बेबी, सो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो अभी हमने बेबी के नेल्स काटे। देखो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को पता ही नहीं ये सब रहता है, क्या क्या ऑर्डर करना पड़ता है आजकल। अभी शुरू हो गया है अभी शुरू हो गया है, अपन खुद से ऑर्डर कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जब बच्चा खुद बोलेगा मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, कार्ट में ऐड कर देगा तभी तो। हाँ तभी तो फिर तो विषय कट। सो डाटा वॉन्डर सिंह इज रेडी, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा कुछ है, और ये लाइट एक्चुअली अभी काम आ रही है, एक साल से मैंने लाइट को यूज़ नहीं किया लेकिन इस बार बहुत किया है। तो अभी तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, तो इस सेरेमनी को बोलते हैं मराठी में बारसा। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं आई एम नॉट श्योर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फेस तो अभी नहीं दिखा सकता लेकिन जेंडर क्या है? तो जेंडर है इट्स अ गर्ल, इट्स अ बेबी गर्ल। काफी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने ये गेस कर ही लिया था, 60-65% लोगों ने गर्ल वोट किया था जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोल लिया था। सो इट्स अ गर्ल, आई एम फादर ऑफ अ गर्ल, शी इज मदर ऑफ अ गर्ल। और ये देखो कितने सारे गिफ्ट्स, तो इसमें से कुछ गिफ्ट्स मेरे और ठकुरान जी के, बाकी सब बेबी के। तो ये होता है बारसा। बारसा मतलब 12th day आफ्टर बॉर्न। तो 12th day एक्चुअली नहीं हो पाया बिकॉज अमावस्या थी, तो 2 दिन बाद मतलब आज 1 तारीख को ये सेरेमनी हो गई। और नाम है आरिका, मतलब गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड वेदर। थोड़ा यूनिक भी है, ट्रेंडी, एक्चुअली टिपिकल ट्रेंडी नहीं है, यूनिक नेम है, छोटा नाम है, अच्छा नाम है। बाकी घर पर क्या बोलेंगे पता नहीं। आरू फेस रिवील जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम जब वापस अमरावती में आऊँगा तब मैं कर दूँगा, फिलहाल नहीं कर सकते फॉर मैनी रीजन्स, लेकिन ठीक है। अभी तो कैसी 15 दिन की है ना, तो इतने जल्दी नहीं होता ऐसा, मतलब लेके रखे हैं उसके छोटे छोटे वीडियोस, वो शेयर कर देंगे बाद में, शेयर कर देंगे बाद में। अभी तो यूजुअली सिर्फ क्लोज फैमिली लोगों को ही पता होता है, आपको तो पता ही होगा। तो बहुत सारे लोगों को जब बड़ा नेमिंग सेरेमनी का फंक्शन होगा या बारसा बोलते हैं उसको बड़ा वाला, तब तो ऑब्वियसली सब लोगों को पता चली जाएगा, लेकिन फॉर नाउ लिमिटेड लोगों को पता है फेसेस, इसीलिए मैं अभी फेस रिवील नहीं कर पाऊंगा, जब आऊंगा तब आराम से कर दूंगा। मुंबई जाने के पहले एक बार डॉक्टर के पास जाके फर्स्ट कार ड्राइव और सो चुकी है कार में, उसको अच्छा लगता है। तो आज एक्चुअली शेड्यूल्ड विजिट थी आरिका की, इसीलिए आज पहली बार पीडियाट्रिशियन के पे है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जब इसको घर पे आई थी उसके बाद आज गाड़ी में बैठी है। बेसिकली कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। वैसे इतनी क्यूट दिख रही है ना, लेकिन बहुत इच्छा है मेरे दिखाने की फेस, लेकिन A few moments later. हाँ मतलब मैं सोच रही थी अभी बाहर निकले ही है, तो थोड़ा एक राउंड घुमा के आओ हम दोनों को।
घर वाले देख लेंगे ब्लॉग में एनीवे, ठीक है तो थोड़ा आगे जाके आते हैं ऐसे। आई एम वेटिंग कब हम मसकली के साथ मस्त ड्राइव पे जाएंगे। आएगा आएगा वो दिन आएगा, कुछ महीनों बाद आएगा। काफी सारे लोगों ने विश किया था, काफी सारे ब्लेसिंग्स दिए, थैंक यू सो मच। और गर्ल ही मतलब मेरे पोल्स में तो गर्ल ही आया था मैक्सिमम लोगों का, तो एक्चुअली इट्स अ गर्ल ओनली। मैंने भी पोल डाला था, 60 मोर देन 60% पीपल वोटेड फॉर गर्ल। कैसे पता चल गया पता नहीं, मैंने तो तभी कुछ बताया नहीं था, एक्चुअली बच्चा हुआ भी नहीं था। मेरा भी तभी डाला था मैंने। चलो घुमा के लाता हूं। बेटी होती है ब्लॉग, हां मोस्टली आजकल वही हो रहा है, ब्लॉगर्स को बेटियां हो रही है। तो अभी मैं बैठा हूं पैकिंग करने, और मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया पैकिंग को। तो मैंने जो लाया था टॉप बॉक्सर, ये तो मैं लेके नहीं जा सकता, तो ये तो इधर ही रहेगा। लेकिन एक बड़ी बैग निकालनी पड़ी क्योंकि इतना सारा सामान है, क्योंकि हेलमेट और राइडिंग गियर वो जो है वो भी बैग में डालना पड़ेगा। मैं तो राइड करके आया था ना, इसीलिए वो सारा सामान देखो बैग कैसी ओवरफ्लो हो रही है। ये देखो भाई खतरनाक ओवरफ्लो हो गए। ये देखो हेलमेट इधर है, सब सामान इधर है, नए कपड़े वो सब इसमें डाल दिया है। ये भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे लगेगी। और दूसरे वाले जो टैंक बैग है अपनी, ये वाली, ये मैं इधर ही रख रहा हूँ, ये और टॉप बॉक्स। तो वापस आएंगे तब ये काम पड़ी जाएगा, तो इसको मैं ऐसे बंद करके रख दूंगा। और ये एक बैग है, इसमें अपना लैपटॉप और ये सब सामान है। अब ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आया था बाइक से और जा रहा हूँ ट्रेन से। कुछ अगर मैं गलती से यहाँ पे भूल गया और मुझे अगर राइड पे जाना है और कुछ नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 6:15 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 1 घंटे मुझे ये सब कुछ निपटाना है। सो इट्स हार्ड टू से गुड बाय, लेकिन गुड बाय तो बोलना पड़ेगा। दे ताली। जाने की इच्छा हो भी रही है और नहीं भी हो रही है, तो थोड़ा सा अजीब सा माहौल है, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन आई विल बी बैक आफ्टर कपल ऑफ वीक्स और मे बी 1 मंथ, 1 महीने में तो आ ही जाऊँगा। 1 महीना तो बहुत बड़ी हो जाएगी आई थिंक, हंसने लग जाएगी शायद। Come soon, Dada, we miss you. Yes, yes, जल्दी आऊँगा जल्दी आऊँगा। चलो भाई आ गए अपन अमरावती स्टेशन, अभी बस मेरा डब्बा ढूंढना है, बहुत लंबा है यार वो देखो। वैसे वेल बिफोर टाइम आ गया, 7:10 की ट्रेन है, अभी 7:15 तो आराम से सेटल हो जाएंगे। अरे देखो बड़े अरसे बाद ट्रेन में बैठा हूँ यार, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए मुझे भी याद नहीं आ रहे। टाइम था जब हर 2 महीने में मैं ट्रेन में ट्रैवल करके अकोला आता था, मतलब छुट्टियों में या कॉलेज के टाइम जब भी घर जाने की इच्छा होती है। चलो 10-15 मिनट सेटल हो जाता हूँ, और उसके बाद आई थिंक 1/2 घंटे में खाना। इट फील्स सो गुड टू बी बैक होम, क्या बात है। लेकिन 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 गंदगी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे भर भर के दिख रही है, बहुत ज़्यादा गंदा। 1 महीना हो गया, सबसे बड़ा मेरा ब्रेक था जब मैं घर नहीं आया, ये घर पे वो है 1 महीना इस बार। कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन मस्त। तो भाई को बुलाया है, भाई आएगी और साफ करेगी, उसके पहले मैं थोड़ा सो लेता हूँ, 6:30 बजे 8-9 बजे उठ जाऊँगा और फिर अपने काम शुरू कर देंगे। कंफर्टेबल सफर था, मजा आ गया मस्त। कल रात को मैंने KGF 2 भी देखा, बहुत अच्छी मूवी है यार, आई मिस्ड इट इन थिएटर्स, लेकिन कोई बात नहीं। देखो भाई सुबह की चाय पिए बगैर अपनी सुबह होती नहीं, और अभी सबसे पहले मेरे को चाहिए चाय, बिना चाय के मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। मतलब मैं दिख रहा हूँ मैं उठाऊँ, लेकिन मैं उठा नहीं हूँ, मैं अंदर से सोया हूँ। और यहाँ पे आके कितना अच्छा लग रहा है यार, ये देखो अपने बादल निकालेंगे, बादल को भी निकालेंगे, लेकिन फिलहाल तो एक्टिव ऐसे आते हैं, उसको भी एक किक में चालू नहीं होगी ससुरा, अभी उसको 10-15 किक मारनी पड़ेगी। तो मुंबई आते से ही अपना पार्सल का सिलसिला हो चुका है शुरू, और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा वेट, एक्चुअली मैंने अभी टेस्ट किया, मेरा वेट 2-2.5 किलो बढ़ गया है। तुरंत मैं मतलब जल्द से जल्द कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखता, ऊपर से ये थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है कर लेंगे, पार्सल को अनबॉक्स करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्सल है, आपके भी शायद काम आ सकते हैं। सबसे पहले अपन खोलेंगे ये, तो मॉनसून का सीजन है इसीलिए ये चीज़ मंगाई है, और ये चीज़ स्पेशली मसकली के लिए मतलब कार में रखने के लिए मंगाई, क्योंकि कार में हो जाता है फंगस, काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता होगा 100%। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने जो वार्डरोब है उस पर भी कपड़ों पर लग जाता है, तो अभी मैंने आते आते देखा कपड़ों पर होना स्टार्ट हो गया है। दिस इज मॉइस्चर रिमूविंग एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बिया करके, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे इसके, तो 6 वाला पैक मैंने ले लिया है। एक रखेंगे कार में, एक रखेंगे वार्डरोब में, एक रखेंगे जहाँ खाने की चीज़ें होती ना, जैसा किचन में जो आटे का डिब्बा, ये डिब्बा वो डिब्बा, तो वो पूरे जो कंपार्टमेंट में ये एक रख दूंगा, ऐसा कर करके ये अपन यूज़ कर लेंगे। और उसको यूज़ कैसे करते कि इसको रखने का, और उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और ये पानी से फूक जाता है, और फिर एक लिमिट के बाद वो फूकता नहीं है, बाद में उसको फेंक देने का, तो ऐसी चीज़ है। अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे घर कितना खाली खाली लग रहा है ना, मतलब आपको नहीं पर मुझे तो लग रहा है,
ठकुरैन जी नहीं है और ऊपर से अभी जो नया मेहमान है अरिका वो भी नहीं है, तो वो आएगी और इस घर पे चांद चांद लग जाएंगे। टाइम है उसको, लेकिन अभी फिलहाल तो उसकी बहुत याद आ रही है। हर आधे घंटे में 15 मिनट्स में मुझे उसका चेहरा याद आता है। ऐसे लगता है कि मैं क्यों आया, यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि मैं क्यों आया, लेकिन क्या करें। तो ये पार्सल खोलने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 से 4 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी, एक अच्छी डील थी ये एक होल्डर पे। सो ऐसे मैं डील्स डालते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं फॉलो करते तो डू फॉलो मी, क्योंकि ये सब काम की चीज़ें हैं और क्वालिटी चीज़ें हैं। कॉम्बो वर्जन है, इस पर MRP देखो कितनी है, और 1800 रुपये यहाँ पे MRP लिखी है, अपने को मिला है 1100 रुपये मात्र। मतलब GoPro कैमरा मोबाइल 360 ये सब चीज़ें आप माउंट कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको जो माउंट करना है। तो इसमें आता है मेन वाला क्लैंप जो अपना रैम माउंट जैसा है, खोल के दिखाऊंगा आपको। ये है अटैचमेंट्स, ये भी खोल के दिखाऊंगा आपको, और ये है मिरर माउंट, ये भी खोल के दिखाऊंगा आपको। तो ये है वॉल माउंट वाला पूरा सिस्टम मैकेनिज्म, इसको आप कैसे भी एंगल में टाइट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। मतलब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा बादल पे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको आइडिया आ गया होगी ऐसा है, ठीक है। अब भी कुछ कुछ हैंडल बार्स होते हैं छोटे, कुछ कुछ होते हैं बड़े, तो इसीलिए उन्होंने 2 दिए हुए। तो ये देखो, ये पतले हैंडल बार के लिए, अगर आपके बाइक का हैंडल बार पतला है तो फिर आप ये यूज़ करके लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर बड़ा हैंडल बार है, मतलब थिक हैंडल बार है, तो ये चीज़ तो फर्क देख सकते हो, ये छोटे हैंडल बार के लिए, बड़े हैंडल बार के लिए। पर मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये है मिरर माउंट, तो उसके क्या करना है, मिरर है ना, मिरर का जो नट होता है, मिरर निकाल देने का, नट में इसको डालने का या मिरर उस पर लगा देने का, फिर ये हो जाएगा परमानेंट फिट। अभी इस पर आप ये लगा सकते हो या कोई भी रैम माउंट वाला आइटम लगा सकते हो। तो अभी इस पर क्या होगा कि मिरर जो हैंडल बार है, मिरर का जो ये होता है रॉड, उसके बीच में ये अटक जाएगा, और फिर मैं इसको अपने हिसाब से कैसे भी लगा सकता हूँ। मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कहीं और लगाऊंगा, एक तेंदुए पर रहेगा, एक बादल पर रहेगा, अभी तक कहाँ लगाना है डिसाइडेड नहीं है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वैसे कोई स्पॉन्सर्ड है नहीं, अमेजोन पर मैंने खुद खरीदा है, लेकिन अच्छी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ। फ्रैंक इंसान ऐप पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके खरीद सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई 360 जैसा कैमरा भी लगा सकते हो, और ये एडिशनल GoPro के लिए माउंट है। चलो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन। हमारी बेटी का नाम कैसा लगा वो जरूर बताना, अरिका। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, एंड आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड सब कुछ हो जाए सही से, और आपको तूफान धमाकेदार खूंखार कॉन्टेंट देखने को मिलेगा एज यूजल। मिलते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखो क्योंकि वहाँ पर जल्दी अपडेट आएंगे।